आप आए, आप देखें अपनी कब्रों को, प्यारों की कब्रों में देखें, आप मिट्टी आप डाले क्या रहे, सवाब है ये, नेकी है। गुलाब का रेट मंडी से बड़ा तेज आ रहा है, अभी तेज ही बेच रहे हैं, 400 रुपए किलो बेच रहे हैं, 350 रुपए मंडी में मिली है। ये भाई मुकबले शहरा चो आंदा, पत्तो तो आंदा, ठेंगा तो आंदा, लाहौर मंडी है, जो बच गया फिर कबर के पा के चला ही है। ये मेरी नानो जान की कबर है और मैं मामा के साथ आता हूँ, हर फ्राइडे के फ्राइडे आता हूँ मैं मामा के साथ, और ये इस बार लेट हो गया, नहीं आए, तो ये बारिश की ज्यादा होने की वजह से ये यहाँ से टूट गई है। ये हमारे वाल साहब 8 साल होने फोत हुए, तो हमने भी शोर पैदा किया, एक तो यार किसी की कपड़ों में जाएंगे स्वाब है, इन्होंने खर्चे बहुत बढ़ा दिए, इन्होंने कपड़ों वाले ने, हिम्मत नहीं थी, इसलिए आज ना हमने खुद ही सोचा तो ये ना ये काम खुद ही करेंगे हम, जाहिर है जो उनकी कब्र बैठे हो गई हम वो उनको भी करेंगे, स्वाब है ये। वैसे तो किसी को भी पैसे दे दो को काम कर देता, तो ये हम जो खुद करते हैं ना इसमें हमें अपना ही लज्जत और मजा आता है, पैसों की बात कोई नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 रुपये लग जाए, अगर हम आते हैं हम अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं तो इनको पता चलेगा ना, जो अगर हम भी नहीं आएंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा ये कौन है कौन नहीं। कुछ लोगों ने कब्रिस्तानों पे घर बना लिए हुए हैं, लोग डरते ही नहीं है, कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो फिर वो होता है कि लोग अपने जो प्यारे हैं उसी में उनको दोबारा मदफून करते हैं, क्योंकि हमने सुना हुआ है कि एक कब्र से 70-72 आवाजें आएंगी, मतलब ऐसे है, तो बस ये सिलसिला चलना ही है। अपने प्यारों की कब्रों पे आना चाहिए, ये नहीं कि किसी कोई यानी कि जैसे 9वें दशम मरहम आ गया या कोई उनका या उर्स वगैरह कुछ भी आए, ये इस वजह से नहीं आना चाहिए, हर फ्राइडे आना चाहिए, उन्हें उन्हें आकर देखभाल करनी चाहिए ताकि उन्हें भी स्वाब पहुंचे और आपको भी स्वाब हो। खुदारा कम से कम जरूर है, आप ये चीज नहीं होगी तो आपके बच्चों में भी नहीं होगी, यही चीज प्यार सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है, दीन की समझ अता फरमाती है, हमारे आका ने हमें यही समझाया है कि कब्रों पे जाया करो, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका फरमाने वाली शान है कि कब्रों पे जाओ ताकि तुमको उनकी एक तो उनकी याद आए और आप गुनाहों से बचे रहो, आपको याद हो कि हमने भी नहीं कब्रों में आना है, जिंदा नहीं रहना, हम आएंगे हम अपने बच्चों को भी इसलिए लाते हैं ताकि वो भी पीछे से आते रहें।